बहुत बढ़िया। अब पवन जी, इस चाय वाला इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प राउंड, रैपिड फायर। चाय तो आ जाए, छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब। कोशिश करूंगा कि प्रिसाइज रखूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि छोटे जवाब। ओके, शुरू करते हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री पवन खेड़ा के हिसाब से कौन होगा? कांग्रेस के नेता होंगे। कोई नाम लेना चाहेंगे? मेरी इच्छा है कि राहुल गांधी हों। राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन का संयोजक, कन्वीनर किसे बनना चाहिए? ये गठबंधन तय करेगा। ओके। दिल्ली का अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन रहा है? शीला दीक्षित। कांग्रेस का अब तक का बेस्ट प्रेसिडेंट कौन रहा है? ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि सब अपनी अपनी तरह से कोई योगदान देकर गए। बीजेपी का सबसे बड़ा नेता अब तक कौन रहा है? मैं पुराने आज के सब इंक्लूड करने की आप सबसे बड़ा नेता बीजेपी का अटल जी रहे। अटल जी रहे। आपका पसंदीदा नेता बीजेपी में तब से लेकर जब कोई हो तो बताऊंगा। ओके। आज देश में बेस्ट सीएम कौन है? ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप अगर मुझे बोले कांग्रेस का बेस्ट सीएम कौन है, वो मेरे लिए और मुश्किल सवाल है। एक से बढ़कर एक, सब में कुछ खूबियां, तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछा। ओके, तो गैर कांग्रेस में आपको कोई सीएम नहीं? ध्यान नहीं दिया मैंने ज़्यादा। ओके, मैं समझ गया। नेताओं में सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? बेस्ट स्पीकर। बेस्ट स्पीकर अक्रॉस जो दिल से बोल, दिल से बोलने वाले मुझे दो लोग लगते हैं मेरी पार्टी में, जो बहुत ज्यादा मुझे लगते हैं। राहुल जी और खड़गे साहब। खड़गे साहब बड़े रोचक अनुभव उनके, वो जिस तरह से वो बात करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और राहुल गांधी जिस शिद्दत से आर्टिकुलेट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। अक्रॉस पार्टी लाइन बेस्ट प्रवक्ता, बेस्ट स्पोक्स पर्सन आपको कौन लगता है? हमारी पार्टी में एक से एक स्पोक्स पर्सन हैं, एक से एक। तो बाकी पार्टियों में मुझे मैं टीवी प्रवक्ता नहीं कह रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन हाँ, जो बड़े नेता भी होते हैं टीवी पर ही ज्यादा आते हैं। तो वही कांग्रेस में तो मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम ओके इतनी काबिलियत है कि प्रधानमंत्री खुद कह सकते हैं, आप पवन खेड़ा भी कह सकते हैं। हमारी टीम में इतनी काबिलियत है कि प्रधानमंत्री खुद आए या किसी और को भेजें, चुनौती है डिबेट करने की, हमारा कोई भी प्रवक्ता उन्हें धराशायी कर सके। ओके। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की डिबेट अगर हो जाए टीवी पे, पवन जी कैसी रहेगी? मानेंगे नहीं नरेंद्र मोदी जी, आप करके देख लीजिए। पर आपका क्या असेसमेंट है, अगर डिबेट हो गई तो कैसी होगी? जैसे पार्लियामेंट में तो होती है, चुनाव की आवश्यकता नहीं रहेगी उसके बाद। ओके। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपको चूज करना है, केजरीवाल या शीला दीक्षित? शीला दीक्षित। केजरीवाल या मदनलाल खुराना? मैं दोनों को ज्यादा नहीं समझाऊं तो मैं क्या बोलूं। मैंने कहा था ना मुश्किल सवाल है। केजरीवाल या साहिब सिंह वर्मा? मैं नहीं, स्टडी नहीं किया इन दोनों। ओके। केजरीवाल या सुषमा स्वराज? इंडिया सरकार या कांग्रेस सरकार 24 में? वो ज्यादा फर्क नहीं है मुझे दोनों में। फर्क है क्यों नहीं? कोई है फर्क नहीं। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया गठबंधन की, लेकिन कांग्रेस और इंडिया में कोई फर्क नहीं। आप क्या चाहेंगे? मैं अपनी पार्टी को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत देखना चाहूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है। मोदी या वाजपेयी? एज अ ह्यूमन बीइंग वाजपेयी जी मुझे लगता है इनसे कहीं बेहतर थे। ओके। और नेता के तौर पर लोकप्रियता? लोकप्रियता की देखिए अब तुलना इसलिए नहीं कर सकते आपकी, उस वक्त जो कम्युनिकेशन थी, जो मीडिया था, और आज के मीडिया में बहुत अंतर है। आज मैसेज आपका बड़ी जल्दी फैल जाता है, तो तुलना वो ठीक नहीं रही। ओके। लाल कृष्ण आडवाणी या अमित शाह? मुझे नहीं लगता इन दोनों में मेरे को कोई रुचि है। ओके। अब मैं अच्छा एक आखिरी, लोकसभा या राज्यसभा? मानक जी के लिए? आपके लिए? मेरे लिए। जो पार्टी कहेगी, कुछ कहेगी दोनों ही नहीं तो दोनों ही नहीं। पर वैसे आपकी पसंद क्या है, आप कहाँ लोकसभा में काम करना चाहेंगे? जहाँ बोलने का और काम करने का मौका मिल जाए। हम तो बोलने वाले लोग हैं। आप लड़ने को तैयार है? चुनाव लड़ने को तैयार? बिल्कुल तैयार रहते हैं, क्यों नहीं रहेंगे। ओके, पवन जी इज अप फॉर चैलेंज। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बोलना है। अरविंद केजरीवाल। अब ये मैं ईमानदारी से बोलूंगा तो नुकसान हो जाएगा हमें, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओके। वरुण गांधी। नौजवान नेता है। नौजवान नेता। मेनका गांधी। पशु प्रेमी हैं, बहुत एनवायरनमेंट के बारे में सोचती हैं।
मायावती. निर्णय लेना चाहिए उन्हें किस तरफ है. शरद पवार. काबिल नेता है, अनुभवी. अनुभवी शब्द आता है दिमाग में. चाणक्य. हो सकता है, ये भी हो सकता है. केसीआर. आपकी पार्टी की लाइन जो हो आप वो बोल सकते हैं. आपकी पार्टी की लाइन जो है कि वो धोखेबाज अलग नहीं होती. मेरी लाइन वो अलग नहीं होती. मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका गंवा दिया उसने. पहला मुख्यमंत्री एक नए राज्य का, उसने एक अच्छा मौका गंवा दिया. ओके, केसीआर हो गया. पवन जी, योगी आदित्यनाथ. इरेलेवेंट फॉर मी. ये सवाल ही इरेलेवेंट. आपकी पार्टी बहुत अटैक करती है. बिल्कुल, मतलब अब ये राजनीति की एक विडंबना है कि इतने बड़े राज्य में वो मुख्यमंत्री. ओके, अशोक गहलोत. जादूगर. जादूगर. सचिन पायलट. प्रॉमिसिंग. आपके स्टेट से हैं दोनों. खुद सीएम कौन बनेगा फिर इस बार? वो पार्टी डिसाइड करेगी, वो मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा. ओके. ज्योतिरादित्य सिंधिया. बोल दूं? बोल दीजिए. बोल दूं? हाँ बिल्कुल. धोखा दिया है. अब वर्ड अच्छा नहीं लगता बोलना. नहीं, आपकी पार्टी की लाइन भी यही है, वो धोखेबाज है. धोखा दिया. ओके. टी एस सिंहदेव. टॉल लीडर. पर वो तो नाराज है. टॉल तो है ना. नाराज भी नहीं है. नवीन पटनायक. जो ना इधर है ना उधर है. किस्मत के धनी है. ओ, आपको लगता है कि वो इसीलिए किस्मत के धनी है, इसीलिए इतने कामयाब हुए? किस्मत की वजह से. बिल्कुल. अच्छा काम नहीं लगता आप कि कोई तो बात होगी. ओडिशा पैरामीटर्स अगर आप देखें, उन पैरामीटर्स पे कोई ज्यादा अंतर आया नहीं है पिछले 25 साल में. 25 साल किसी को मिल जाए मुख्यमंत्री तो काया कल्प. आप दिल्ली में 15 साल में शीला दीक्षित ने दिल्ली बिल्कुल बदल डाली. 25 साल किसी को मिल जाए और वो राज्य वैसा का वैसा हो, वो तो कालाहांडी की आज स्थिति क्या. तो शीला जी को 10 में से कितने नंबर देते हैं आप उनके मुख्यमंत्री का? मैं 10 में से उनको 50 देता हूँ. मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो संघर्ष देखा है. और केजरीवाल को नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मौका अच्छा मिला, इतनी सीटें मिली, आपने क्या किया? 4-5 तो देंगे. नहीं, क्यों दूंगा. ओके. और बीजेपी के जो सीएम्स रहे? पूरा कार्यकाल किसी ने नहीं किया. तो उनको क्या. अच्छा, उनकी पार्टी नहीं, उनका साथ नहीं दिया तो फिर आप क्या बोले. ओके. जगनमोहन रेड्डी. गलत जगह पर है, सही जगह आना चाहिए. आप ही के साथ थे पहले, तो आना चाहिए सही जगह. मिसमैनेजमेंट हुआ तभी तो चले गए. वो मिसमैनेजमेंट नहीं होता, निर्णय होते हैं. निर्णय कई बार सही बैठते हैं, कई बार सही नहीं बैठते. ओके. संदीप दीक्षित. प्रॉमिसिंग फ्यूचर. अभी भी? बिल्कुल, बहुत काबिल आदमी है, बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर. तो शीला दीक्षित की जगह वो लगता है आपको कि दिल्ली कांग्रेस को कम से कम. तो पार्टी निर्णय लेगी कि किसको किस जगह पर बैठाना है, लेकिन उस व्यक्ति की जो काबिलियत है वो उनको बहुत आगे तक ले जाएगी. ओके. गौतम अदाणी. दोस्ती बनी रहे उन दोनों की. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. मुकेश अंबानी. इस उम्र में आकर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है फिर से अपनी जगह बनाने की, क्योंकि ये साहब तो एक ही आदमी पर मेहरबान है. ओ, यानी आपको हमदर्दी है? हमदर्दी मुकेश अंबानी के साथ. मतलब क्या, आप देखिए ना, पूरा सब कुछ एक ही आदमी पर अगर लुटाया जा रहा हो, पूरा प्यार मोहब्बत एक ही आदमी के लिए अगर प्रधानमंत्री की हो, पूरी सरकार की हो. पर तो पहले तो ऐसी बात है. पर पहले तो आप कहते थे हम दो हमारे दो, जिसमें आप मुकेश अंबानी को भी लेते थे. अगर आप देखें अब पिछले कई महीनों से, कुछ सालों से जो हो रहा है सरकार में, हर चीज एक ही दिशा में जा रही है. सारी नदियां बहकर सागर में और उस सागर का नाम है गौतम अदाणी. राजीव गांधी. मेरे नेता, मेरा आइडल. इंदिरा गांधी. आयरन लेडी. प्रियंका गांधी. माय लीडर. राहुल और प्रियंका में माय लीडर्स. दोनों बोथ योर लीडर्स. दोनों में क्या आपको फर्क नजर आता है नेतृत्व में? दोनों कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. दोनों की जो क्षमताएं हैं वो इसलिए कहता हूं, दोनों की क्षमताएं मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. बीजेपी तो कहती है दोनों में बनती नहीं है. ये चंदा मामा की कहानियां जो है ना, ये आरएसएस से निकलती हैं, आरएसएस में खत्म हो जाती हैं. सोनिया गांधी. रोल मॉडल फॉर लॉट ऑफ अस. शी इज अ रोल मॉडल.
अभी वो ग्रेस जो है ना, वो शब्द अगर आता है तो ग्रेस। ग्रेस। राहुल गांधी रेजिलियंट, अब अंग्रेजी में है माफ कीजिएगा, लेकिन शब्द ही अंग्रेजी। हाँ नहीं चलेगा चलेगा।